हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर हमने कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर कुछ हमने क्वेश्चन देखे थे और हमने कुछ प्रॉपर्टी भी वहां पर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की करी, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टी आपके सामने वहां डिस्कस करी थी। पहले हमने करी थी लीनियर प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास लाप्लास सी वन एफ वन टी प्लस सी टू एफ टू टी इक्वल टू सी वन एफ वन टी प्लस सी टू एफ टू टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वहां पर सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, जो कि हमारे पास gt equal to f of t minus a when t greater than a and 0 when t less than at, जिसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बताया था e to the power minus at f of t होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जब भी अगर मैं कोई लेक्चर अगर आपका यूट्यूब चैनल पर डालता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आपके ईमेल पर मिल जाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि हमारी है यूनिट स्टेप फंक्शन, और हम यूनिट स्टेप फंक्शन का हम लाप्लास निकालना सीखेंगे और उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का दूसरा फॉर्म भी पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, दैट मीन्स पी थ्री। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो पहले हम देखेंगे कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम उसका लाप्लास निकालेंगे, ठीक है। द यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t माइनस a इज डिफाइंड एज u ऑफ t माइनस a इक्वल टू वन व्हेन t ग्रेटर देन a एंड जीरो व्हेन t इज लेस देन a, एज a is greater than equal to 0, यानी कि हमारे पास a की जो वैल्यू होगी वो 0 भी हो सकती है और a से बड़ी भी हो सकती है। हमें इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज देखने की, जब हमारे पास t greater than 1 होता है तो इसका मतलब ये कि हमारे पास वैल्यू 1 मिलेगी और जब t less than a होगा तो हमारी वैल्यू मिलेगी 0। तो ऐसे फंक्शन को हम यूनिट स्टेप फंक्शन, कई बार इसी यूनिट स्टेप फंक्शन को हम हेविसाइड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हम इस u ऑफ t माइनस a को हम चाहें तो उसको हम केवल h ऑफ t माइनस a भी लिख सकते हैं। देखें, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस a इज लाप्लास u ऑफ t माइनस a इक्वल टू लिमिट 0 टू इंफिनिटी e to the power minus pt u of t minus a dt। अब यहां पर लिमिट को ब्रेक करेंगे तो पहले उसमें दिया है कि 0 से a दिया रहेगा तो 0 लिखेंगे और a से इंफिनिटी दिया होगा तो हमारे पास 1 लिखा है, तो हमारे पास कितना लिखा है, दिस इज 0 टू a e to the power minus pt into 0 dt and a to infinity e to the power minus pt into 1। ओके, अब ये हो गया 0, e to the power minus pt का इंटीग्रल हो गया e to the power minus pt divided by minus p a to infinity। ओके, तो minus 1 upon p को मैंने बाहर निकाला तो e to the power minus infinity और e to the power minus ap, e to the power minus infinity होता है 0, तो मेरे पास हो गया this is minus 1 upon p and this is 0 e to the power minus a, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस a हमारे पास जो होता है वो e to the power minus ap upon p होगा। अगर हम इसी के अंदर अगर हम a की वैल्यू को अगर हम 0 रख दें, क्योंकि हमने यहां पर दोनों चीज बोली है कि a greater than 0 भी होगा और 0 भी हो सकता है, तो फिर हमें क्या मिलेगा, इन पर्टिकुलर केस a इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज लाप्लास
u of t equal to 1 upon होगा u of t equal to 1 upon, जो कि हमने आपको बताया है कि u of t को हम h of t भी लिख सकते हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास h of t के लिए भी फॉलो होगा। यानी कि अगर हमें कहीं पर लाप्लास h of t minus a लिखा आता है तो हमारा आंसर होगा 1 upon e to the power minus ap upon p, ठीक है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का अगर हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हम इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। इसी का मैं यहाँ पर एक फॉर्म और बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी थी, लेकिन हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हम यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और दिस योर फी फॉर्म another form of second shifting theorem। हम यहां पर second shifting theorem का एक और form देख रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है हमारा, since u of p minus a बच्चों मेरे पास कितना होता है, this is 1 and t greater than a and this is 0 and this is p less than a। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं f of p minus a का। क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं p minus a का, तो हमें कितना मिलेगा, ये this is f of t minus a when t greater than a and 0 when t is less than a, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो मेरे पास टर्म है वो मेरे पास कहलाती है दिस कॉल्ड द g of t, कहलाता हमारे पास g of t इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, दिस इज द f of t minus a u of t minus a। यानी कि हमारे पास gt की जो वैल्यू है जो हम पहले केवल कितना लिख रहे थे वो हमारे पास एक्चुअल में होती है f of t minus a u of t minus a। अब इसका मैं लाप्लास निकालूं तो लाप्लास क्या होगा, f of t minus a u of t minus a equal to लाप्लास of gt, ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि लाप्लास of gt हमारे पास कितना होता है, e to the power minus ap f of t। ये मेरे पास लिखा जाएगा e to the power minus ap f of t। यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में अगर आ रहा है तो उसको हम उस तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का एक और फॉर्म पढ़ा हुआ है जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन का है। इसकी पहचान ये है कि अगर एफ ऑफ टी माइनस ए के साथ यू ऑफ टी माइनस ए या एच ऑफ टी माइनस ए अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड शिफ्टिंग। देखें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो क्वेश्चन हमारा है इवैल्यूएट लाप्लास साइन टी माइनस थ्री पाई बाय टू यू ऑफ टी माइनस थ्री पाई बाय टू, ठीक है। देखें क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म में है कि नहीं, लाइक दिस एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। यानी कि हमें इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए जो है हमारे पास थ्री पाई बाय टू है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे f of p minus a equal to होगा sin of t minus 3 pi by 2। यानी कि f of p जो होगा वो मैंने कहलाएगा sin t s, जहां पर a की जो वैल्यू होगी वो 3 pi by 2 है, ठीक है। तो
therefore Laplace f of t equal to Laplace of sin t equal to मेरे पास होगा 1 upon p square plus 1 और इस पूरे को हम यहां लिखते हैं f of t, ठीक है, by second shifting theorem. इसको हम लिखेंगे अब second shifting theorem में, बस ये हमारे पास है unit step function की form. क्या लिखाएगा? Laplace f of t minus a into u of t minus a equal to e to the power minus f of p f of t. इसको यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? This is the Laplace sine t minus 3 pi by 2 u of t minus 3 pi by 2 equal to e to the power minus 3 pi by 2 into p, और f of p मेरे पास है 1 upon p square plus. इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाए, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं आपको. चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक और क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, वो भी आप देख लीजिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाप्लास हमें निकालना है cos t into u of t minus pi by 2. अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है उस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, यानी कि हमारे पास होना चाहिए वहां पर एक्चुअल में cos of t minus pi by 2, लेकिन मेरे पास वहां पर लिखा हुआ है ओनली t. इसका मतलब यह होगा कि जो मेरा cos t होगा वो मैंने कहलाएगा f of t minus pi by 2 equal to cos t. ओके, तो मैंने यहां पर क्या लिया, let f of t minus pi by 2 equal to cos t. अब हम क्या करेंगे, इस cos t को वापस हम कन्वर्ट करेंगे t minus pi by 2 की फॉर्म में. मैंने यहां पर लिखा दिस इज cos pi by 2 प्लस t माइनस pi by 2. ओके, कितना मिलेगा हमको ये, दिस इज इक्वल टू f of t माइनस pi by 2. अब दोनों तरफ से हम t माइनस pi by 2 को t में रिप्लेस कर रहे हैं. नाउ दिस इज योर f of t इक्वल टू cos pi by 2 प्लस t. क्या करा हमने, t माइनस pi by 2 को t से रिप्लेस कर दिया है. अब cos 90 प्लस थीटा कितना होता है मेरे पास, अगेन माइनस sin t. इसका लाप्लास निकाले हम, तो लाप्लास f of t इक्वल टू माइनस लाप्लास ऑफ sin t. sin t का लाप्लास होगा 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर प्लस वन, और इस पूरे को हम यहां पर नाम दे रहे हैं एफ ऑफ पी. फिर बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास कॉस टी यू ऑफ पी माइनस पाई बाय टू मेरा लिखाता है ई टू दी पावर माइनस पाई बाय टू पी, क्योंकि ए की वैल्यू पाई बाय टू है, इंटू एफ ऑफ पी, और एफ ऑफ पी मेरे पास से e to the power minus pi by 2 p into p square plus. इस तरीके से हम यहां पर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं p5, जो कि हमारी कहलाती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. ओके, तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 5, P5 चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. ठीक है,
स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट हमारा है इफ लाप्लास एफ ओ टी इक्वल टू एफ ओ टी देन लाप्लास एफ ओ टी हमारे पास होगा वन अपॉन ए एफ ओ टी बाय, ठीक है। अब देखें इसका प्रूफ किस प्रकार से किया जाएगा, सिंस अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ओ टी हमारा लिखा था जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस बी टी एफ ओ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ओ टी हमारे पास है जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस बी टी एफ ओ टी, और इस पूरे को हम यहां लिखते हैं एफ ओ टी। अब हम करते क्या है कि इस एफ ओ टी को रिप्लेस कर देते हैं फंक्शन एफ ओ टी से, ना कि टी को ए टी से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एफ ओ टी को पूरे फंक्शन को रिप्लेस कर रहा है एफ ओ टी से। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ओ टी इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी f of a t dt, और इस पूरे को हम यहां लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिखना है यहां पर। अब इस a t को हम यहां मान लेते हैं x, put a t equal to x, तो t कितना मिलेगा हमें यहां पर t of x upon a, तो dt कितना मिलेगा हमें यहां पर dt equal to dx by a। तो फिर भी हम यहाँ पर जीरो या इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारे लिमिट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, क्यों, तो जीरो रखा तो भी एक्स जीरो मिलेगा, इन्फिनिटी रखा तो भी हमें एक्स इन्फिनिटी मिलेगा। तो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ओ ए टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी, और टी की जगह रख दूंगा मैं एक्स अपॉन ए, this is f of x dx upon t। अब इस a को मैं निकाल लेता हूं बाहर, कितना आएगा मेरे पास, this is 1 upon a limit 0 to infinity e to the power this is p by a x into f of x। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब यहां पर मैं p लिख रहा हूं तो यहां पर f of p लिखा रहा है, तो जब यहां पर मेरे पास p by a आएगा तो मेरा f of p by a लिखा है, यानी कि लाप्लास एफ ओ ए टी जो होगा हमारे सामने वो वन अपॉन ए एफ ओ पी बाय ए लिखा जाएगा, ठीक है। इस पर बेस हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाह रहा हूं कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हमारा क्वेश्चन है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी अपॉन टी इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन पी है, टेन इनवर्स वन अपॉन पी है, देन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन थ्री टी अपॉन टी, ठीक है। हमें साइन थ्री टी अपॉन टी का लाप्लास निकालना है जबकि साइन थ्री अपॉन टी का लाप्लास दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, ये मेरा बन गया एफ ओ टी और ये मेरा बन गया एफ ओ टी, क्या बन गया, दिस इज योर एफ ओ टी दिस इज योर एफ ओ टी। आप देखेंगे यहां पर मुझे साइन टी दिया अपॉन टी दिया और यहां पर मुझे साइन थ्री टी दिया, लेकिन मेरे को टी जो रिप्लेस करना पड़ेगा वो एटी से रिप्लेस करना पड़ेगा, और इस प्रॉपर्टी मैंने आपको यही बताया कि यदि हम टी को एटी से रिप्लेस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा वन अपॉन ए एफ ओ पी बाय, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या करा, लेट एफ ओ पी मेरे पास हो गया
sin t upon t एंड एफ ओ पी मेरे पास हो गया टेन इनवर्स वन अपॉन ओके सिंस अब मैं निकाल रहा हूं लाप्लास एफ ओ थ्री टी लाप्लास एफ ओ थ्री टी का मतलब क्या होगा मेरे पास वन अपॉन थ्री एफ ओ पी बाय ए यानी पी बाय थ्री क्या लिखूंगा इसको मैं वन अपॉन थ्री एफ ओ पी बाय और एफ ओ थ्री टी का मतलब मेरा क्या निकालेंगे जहां जहां मेरे पास टी है वहां पर मैं थ्री टी रखूंगा कितना मिलेगा हमारे पास दिस इज साइन थ्री टी अपॉन थ्री टी इक्वल टू वन अपॉन थ्री एफ ओ पी बाय ओके इस थ्री को मैंने बाहर निकाल दिया तो वन अपॉन थ्री लाप्लास साइन थ्री टी अपॉन टी इक्वल टू वन अपॉन थ्री एफ ओ पी बाय थ्री यानी कि जहां जहां मेरे पास पी आ रहा है वहां पर रखूंगा मैं पी बाय थ्री क्या लिखाएगा मेरे पास ये दिस इज टेन इनवर्स वन अपॉन पी बाय इस थ्री से ये थ्री हमारा कैंसिल हो रहा है तो मेरा आंसर हो जाएगा दिस इज द लाप्लास साइन थ्री टी बाय टी इक्वल टू tan inverse t by t ओके इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर्टी लगी एक बार फिर से इसको समझ लें किस प्रकार से प्रॉपर्टी हमें फॉलो करिए पहले आपने बोला कि जो हमें फंक्शन दिया उसको देखें तो ये हमें दिया लाप्लास एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ टी यानी कि ये हो गया एफ टी ये हो गया एफ ऑफ टी मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि मुझे यहां पर साइन थ्री टी अपॉन टी लाना और साइन थ्री टी अपॉन टी तभी आ सकता है जब यहां पर मैं टी को थ्री टी से रिप्लेस करूं तो मैंने बोला कि एफ ऑफ थ्री टी इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन थ्री एफ ऑफ पी बाय थ्री ये हमने कहा था बाय द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यानी कि सी एस पी ओके एफ ऑफ थ्री टी के लोग साइन थ्री टी अपॉन थ्री टी यानी कि वन अपॉन थ्री एफ ऑफ पी बाय थ्री इस थ्री को हमने बाहर निकाल दिया और ये थ्री मेरे पास है और यहां पर है पी की जगह मैंने रख दिया पी बाय थ्री यानी कि टेन इनवर्स वन अपॉन पी बाय थ्री इस थ्री से थ्री हमारा कैंसिल हो गया ये मेरा बटम आ गया और ये मैंने लिख दिया थ्री बाय सिंपल सा प्रॉब्लम है एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं कैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन लिखा जाएगा तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू में दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन डिवाइडेड बाय पी माइनस वन का स्क्वायर और पी प्लस देन फाइंड लाप्लास एफ ऑफ तो हमें एफ ऑफ टू टी का लाप्लास फाइंड आउट करना है ठीक है तो मेरे पास इस समय एफ ऑफ टी को दिया है दिस और एफ ऑफ टी मेरे पास ऐसे का ऐसे ही है मैंने यहां पर क्या बोला दिस इज लाइक एफ ऑफ टी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन अपॉन पी माइनस वन का स्क्वायर और दिस इज पी प्लस by change of scale property short में हम क्या लिखेंगे C S P change of scale property ये सब इसके standard notation होते हैं इसी तरह से इसको लिखा जाता है तो हमें निकालना है Laplace f of हम अपने रूल के अकॉर्डिंग एफ ऑफ टू टी का लाप्लास क्या लिखेंगे वन अपॉन टू एफ ऑफ पी बाय टू यानी कि जहां जहां पी आ रहा है वहां पर रखेंगे पी बाय दिस इज वन बाय टू पी बाय टू का स्क्वायर पी बाय टू प्लस वन नीचे
पी बाई टू माइनस वन का स्क्वायर पी बाई टू प्लस वन बाई टू ऊपर एलसीएम कितना आएगा फोर पीछे कितना लिखा गया जैसे पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस टू अपॉन में नीचे एलसीएम कितना आएगा मेरे पास यहां से मुझे कितना मिलेगा फोर बाहर आ जाएगा वन बाय फोर और यहाँ कितना लिखेगा मुझे पी माइनस टू का स्क्वायर अगर हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल दिया फोर को बाहर निकाल दिया इसी प्रकार यहाँ पर वन अपॉन टू पी प्लस टू इस फोर से ये फोर कैंसिल हुआ और इस टू से ये टू कैंसिल हुआ तो मेरे पास आंसर आ गया पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस फोर डिवाइडेड बाय पी माइनस टू का स्क्वायर और पी प्लस दिस इज योर आंसर ठीक है इस प्रकार से आप यहाँ पर आपका चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं तो डियर फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल कैसा लग रहा है मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरी इंजीनियरिंग मैथड्स 2 की बुक पब्लिश हो चुकी है आप चाहें तो इंजीनियरिंग मैथड्स 3 की बुक आप ले सकते हैं मार्केट के अंदर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स